ये द्वापर के समय के पांडव वंशज के समय से मानसिंह के जमाने से हम लोग पुजारी हैं यहाँ का वंशावली। जब होता है विशाल मेला लगता है यहाँ। और ऐसे में तो टूरिस्ट लोग यात्री लोग प्रत्येक दिन आते हैं, कम हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। अर्धनागेश्वर यहाँ का शिवलिंग है, शिव और माँ पार्वती दोनों विराजमान है एक ही शिवलिंग में। यहाँ के जैसा शिवलिंग पूरे भारत वर्ष में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज अपने इस ब्लॉग में आप लोग बीच टूर करके दिखाने वाले हैं बिहार एवं झारखंड का सबसे फेमस मोती झरना को। वैसे तो दोस्तों, मोती झरना झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है और मोती झरना का सबसे नियरेस्ट स्टेशन है महाराजपुर। और गाइज, अपने इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने ज़िला भागलपुर स्टेशन से। दोस्तों, भागलपुर से मोती झरना की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 90-92 किलोमीटर की दूरी में स्थित है भागलपुर से मोती झरना। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन डायरेक्ट भागलपुर से महाराजपुर के लिए एक ट्रेन सुबह के टाइम में जाती है। और गाइज, आप लोग बीच कुछ बात शेयर करने जा रहे हैं कि भाई, 2 महीने से हम यूट्यूब पर अच्छे से ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, कुछ टेंशन में थे दोस्तों, इसलिए मेरा पार्ट टू का एग्जाम चल रहा था और प्लस मेरा पैर में भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, यही कारण बस। और थोड़ा गाइज, यूट्यूब पर से मेरा थोड़ा दिल भी टूट गया है, यही सब। आएंगे बहुत जल्द लाइव, आप लोग बीच कुछ प्रॉब्लम बताएंगे यूट्यूब से रिलेटेड। तो दोस्तों, चलते हैं उस साइड, मेरे दोस्त सभी आए हुए हैं, वे सभी लोग वेट कर रहे हैं। सो फाइनली गाइज, आ चुके हैं मोती झरना का सबसे लोकल स्टेशन। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं और मोती झरना आगे में ऑटो या टोटो मिलता है वहाँ पर से 20-30 रुपया भाड़ा है, सीधा यहाँ से निकलते हैं। यहाँ दोस्त लोग आए हैं, यही लोग प्लान बनाए थे, देख सकते हैं इधर, कि भाई चलो मोती झरना घूमने के लिए। आप लोग दोस्तों कंटिन्यू बने रहिएगा, हर चीज़ डिटेल्स यहाँ का दिखाएंगे आप सभी के बीच। ये प्राकृतिक का व्यू है भाई, झारखंड में स्थित है। यहाँ भैया बोल रहे हैं रोड यहाँ का बाबा सी रहे हैं, देख सकते हैं रोड का हाल। बाकी हर चीज़ प्राकृतिक का बहुत ही सुंदर है यहाँ का झारखंड का साहिबगंज में, बस रोड का ही बुरा हाल है। ये रहा एंट्री गेट, देख सकते हैं पीछे मेरे, और ये टिकट काउंटर, मात्र 5 रुपया का टिकट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता है अभी के समय में। कुछ इस प्रकार से है यहाँ का, और टिकट मात्र 5 रुपया का है, और सीधा इस प्रकार से अंदर जा सकते हैं। इस तरफ दुकान देख सकते हैं, बहुत सारी दुकान सभी है। लोग देख सकते हैं मोतीनाथ धाम, यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती के यहाँ बहुत ही अच्छा शिवलिंग का यहाँ है, बहुत ही प्राचीन, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसे भी देखने के लिए। और यहाँ मेला का भी आयोजन होता है, पहाड़ के ऊपर है इसलिए थोड़ा ऊँचाई की तरफ है। क्या सुंदर व्यू है भाई, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कितना यहाँ सुंदर ये जगह है। तो भाई साहब, फाइनली आ चुके हैं झारखंड स्थित साहिबगंज मोती झरना में, देख सकते हैं ये प्यारा सा व्यू यहाँ का। तो दोस्तों, पहले आप इसी में नहाते हैं, यहाँ स्नान कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, फिर दोस्तों उसके बाद आप सभी से मिलते हैं और यहाँ का कम्प्लीट टूर करके दिखाते हैं क्या कुछ खास है। देखिए इस तरफ से ये, वाह भाई साहब, चलते हैं बस। A few moments later. काफी देर एंजॉय किए इसमें, बहुत मन लगा। अब दिखाते हैं आप लोगों को गाइस, यहाँ देख सकते हैं ये भगवान शिव का अंदर मंदिर है, चलते हैं अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से अंदर का क्या कुछ है। अंदर में काफी प्राचीन मंदिर है एकदम, बाबा मोतीनाथ धाम। Thank you.
गाइस ये देख सकते हैं, ये पत्थर का बना हुआ थोड़ा पहाड़ जैसा सीन दिखा रहा है। काफी इसके अंदर ठंडक लगेगा आने के बाद। और ये बताते हैं यहाँ का इतिहास, ये बहुत ही प्राचीन है यहाँ का। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस साइड देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। पूरा साइड में व्यू देखने में लगता है भाई, बहुत ही मन लगेगा यहाँ आने के बाद। देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ बाबा जी देख। आपका नाम क्या है पंडित? हमारा नाम चंदन पांडे है। चंदन पांडे हम यहाँ का मुख्य पुजारी है। आप यहाँ से कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम लोग वंशावली है, द्वापर से हमारे वंशज चलते आ रहे हैं। एक पर गुजरते जाता है वंशावली। ओ भाई साहब, ये जो पंडित जी देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, इनके पूर्वज द्वापर युग से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं, तो समझ सकते हैं यहाँ का कितना प्राचीन है। बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी प्राचीन मंदिर है। और उसी के इतिहास में कुछ यहाँ पंडित जी आप लोगों के आशीर्वाद में बताएंगे। बताइए पंडित जी यहाँ का क्या कुछ है यहाँ का? ये द्वापर के समय के, पांडव वंशज के समय से है। और इसकी स्थापना कौन किए थे? इसका पांडव लोग किए थे। पांडव लोग किए थे द्वापर के। और इसका राजा मानसिंह प्रचारक है। इसका राजा मानसिंह प्रचारक है। और राजा मानसिंह के जमाने से हम लोग पुजारी हैं यहाँ का वंशावली। अच्छा, यहाँ की ये शिवलिंग जो है यहाँ का खास तौर पर, इसके बारे में बोलते हैं, ऐसा शिवलिंग भारत वर्ष में नहीं है। ये अर्धनागेश्वर है, इसके साथ में कार्तिक गणेश, इसकी 5 पुत्रियाँ एक साथ है इस पे शिवलिंग पर। काफी सावन के महीने में दोस्तों एक माह का मेला लगता है यहाँ। महाशिवरात्रि में 5 दिनों का यज्ञ होता है। महाशिवरात्रि में 5 दिनों का यज्ञ होता है और विशाल मेला लगता है यहाँ पर। वाह वाह। और ऐसे में तो टूरिस्ट लोग, यात्री लोग प्रत्येक दिन आते हैं, कम हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। यहाँ की जो भी यात्री यहाँ आएंगे इस मंदिर पर, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत, मेरे तरफ से हेल्प मदद मिलते हैं। यहाँ पर दान दक्षिणा का कोई प्रावधान नहीं है। श्रद्धा का बात है, देना है नहीं देना है नहीं देना है, बाबा भोले की पूजा अर्चना करके जाना है। हमारे तरफ से फ्री सेवा है। तो दोस्तों यहाँ फ्री सेवा बाबा करते हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी आता है यहाँ आने के बाद तो आप लोग यहाँ से, इस मंदिर से 1 किलोमीटर तक में आपके यदि पैसे हरा जाते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है, आपके घर कहाँ जहाँ तक है वहाँ तक से 4 गुना आपको दे दिया जाएगा। ओह वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का। किसी का मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए, दिक्कत परेशानी, मेरे तरफ से फ्री रिचार्ज है उसका। ये भी सिस्टम से मैं लेस। बहुत ही अच्छा लगा। हंसते हुए जाना है। हर हर महादेव, हर महादेव। तो गाइस यहाँ शिवलिंग देख सकते हैं, शिवलिंग है शिव और माँ पार्वती दोनों विराजमान है एक ही शिवलिंग में। ऐसा शिवलिंग यहाँ का, यहाँ के जैसा शिवलिंग पूरे भारत वर्ष में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो गाइस भोले बाबा के चरणों में यहाँ हम लोगों को 2 लड्डू मिला है स्वादिष्ट, यहाँ खाते हैं और थोड़ा और दिखाते हैं आप लोगों को। आगे घूमते हैं और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्यारा क्षेत्र में है, आप लोगों को बयां नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मोती झरना यहाँ आना ही होगा। ये देख सकते हैं गाइस, ये मोती झरना बिहार एवं झारखंड ये दोनों राज्यों का सबसे फेमस यहाँ का झरना माना जाता है। और इनकी ऊंचाई देख सकते हैं यहाँ, कहते हैं 100 मीटर की दूरी में है और वहाँ से ये झरना बहता है। पहले इनके यहाँ तक, वहाँ तक जाने का नहाने स्नान करने के लिए दिया जाता था, पर बता रहे थे कुछ आदमी कि ऊपर से किसी समय पत्थर गिरे थे किसी के ऊपर, इसलिए ये बंद कर दिए गए। देख सकते हैं यहाँ पर से इस प्रकार से इसे लॉक कर दिए गए। और इस पार्ट, ये 2 पार्ट में लोग नहा सकते हैं बस। हम भी इसी टाइप में नहाए थे, यहाँ स्नान किए थे, तो यहाँ से सीधा निकलते हैं। गाइज ये सुंदर वादियों के बीच यहाँ का साहिबगंज का मोती झरना यहाँ पूरा घूम लिए, काफ़ी एंजॉय किए। अब इस से यहाँ से सीधा नीचे की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब अभी दोपहर के टाइम है इसलिए इतना अच्छा से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मेरा ट्रेन है, यहाँ से निकलेंगे। गाइज देख सकते हैं यहाँ मोती झरना, आप लोग आते हैं तो यहाँ बहुत ही अच्छे सुविधा बनाया गया है बच्चों के लिए खेलने के लिए। देख सकते हैं बैठने के लिए, यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए काफ़ी बनाया गया है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं एक एक करके क्या कुछ है यहाँ का। इस प्रकार से है यहाँ झूला वगैरह सब है, बच्चे लोग देख सकते हैं।
अभी थोड़ा दोपहर के समय है और मेरा ट्रेन भी है यहाँ से, कुछ इस प्रकार से है। टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा बनाया गया ये केंद्र, आज के समय में बन गया है, इसलिए यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब यहाँ से सीधा निकलते हैं भाई, बस नीचे की ओर जाते हैं उस रूट से, और यहाँ चीता देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से बनाया गया है भाई। वाह, एकदम से जंगल का ये सीन दिखाया गया है कि ये पहाड़ है, ये शेर है और यहाँ भगवान का द्वार है। बगल में बैठने के लिए है, दुकान वगैरह हर चीज़ है यहाँ। और इधर शॉप देख सकते हैं, दुकान में हर एक एक चीज़, यहाँ धार्मिक सब चीज़ मिलता है। बच्चों के लिए खिलौना भी है। और ये बाहर जाने का। तो हे गाइस, आशा करते हैं इस प्यारे से मोती झरना का ब्लॉग को देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा, और यहाँ का जो भी इतिहास बताए हैं अभी कुछ आप सभी भी शेयर किए हैं, वह सभी चीज़ें आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक नए ब्लॉग में, सभी को जय हिंद, जय श्री कृष्णा, बाय बाय गाइस।